हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम आज करने वाले हैं नया टॉपिक सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। नंबर सिस्टम का टॉपिक है सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। दो क्वेश्चंस हम समझेंगे, दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और दो क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ आने वाला है सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का। तो बने रहेंगे, कॉपी पेन निकाल लेंगे और नोट्स बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके बच्चों, तो सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन है क्या? देखो, जैसे आपको दिख रहा है मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन का मतलब हम किसी चीज़ को मैग्नीफाई करके, ठीक है, किसी चीज़ को मैग्नीफाई करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे मैग्नीफाई करने वाले हैं नंबर लाइन को। देखिए, हमें रिप्रेजेंट करना है, हम एक क्वेश्चन के थ्रू इस कंसेप्ट को समझते हैं। क्या करना है हमें? सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, हमें मैग्नीफाई करके, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन यूज़ करके हमें रिप्रेजेंट करना है 3.765 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये समझना है दैट ये 3.765 किन दो होल नंबर्स के बीच आता है। तो 3.765 क्या 3 और 4 के बीच आता है कहीं? बिल्कुल, देखो 3.765, ये 3.765 इन दोनों नंबर्स के बीच में आएगा। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन पे इन दोनों नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिएगा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। हम शुरू करते हैं यहाँ से, ज़ीरो से, ज़ीरो, ठीक है, 1, 2, 3 and 4। तो ये नंबर 3.765 क्या इन दोनों के बीच लाई कर रहा है? बिल्कुल लाई कर रहा है। तो हम यहाँ से एक और नंबर लाइन बनाएंगे और ये नंबर लाइन को हम 3 और 4 के बीच बनाएंगे, ठीक है। मतलब हम इस इंटरवल को, 3 और 4 इंटरवल को, इस इंटरवल को हम मैग्नीफाई करेंगे। तो मैग्नीफाई करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस हमें इनके बीच का नंबर्स लिखना है। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं और यहाँ पे 4 लिखते हैं, तो इनके बीच में नंबर्स जो भी आएंगे वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ये नंबर आपका रहा 3 और ये रहा आपका 4, ठीक है, ये रहा आपका 4, ठीक है, 4 और ये 3। तो अब देखो, अब समझो, ये जो वैल्यू था, ये 3 और 4, इसको हमने कर दिया मैग्नीफाई, ठीक है। मैग्नीफाई करके जब हम लिखेंगे तो हमारे पास नंबर्स आएगा, 3 के बाद आ जाएगा 3.1, फिर आ जाएगा 3.2, फिर आएगा 3.3, फिर आएगा 3.4, फिर आएगा 3.5, देन 3.6, देन 3.7, देन 3.8, 3.8 के बाद और आगे जाएगा ये नंबर्स 3.9 एंड फाइनली ये नंबर आ जाएगा यहाँ पे 4, ये आ जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा ये रहा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले 3 और 4 इंटरवल को मैग्नीफाई किया। मैग्नीफाई करने से हमें 3 और 4 के बीच का नंबर्स मिल गया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे 3.765, ये जो नंबर है 3.765, अब ये नंबर इस नंबर लाइन में किनके किनके बीच आ रहा है? तो ध्यान से देखो, 3.765 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। 3.765 या 3.7 से बड़ा और 3.8 से छोटा है, तो अब ये इनके बीच में आएगा, ठीक है, इस नंबर के बीच, ये नंबर के बीच में आएगा। ओके, चलिए अब इसको मैग्नीफाई करते हैं हम। अब हम इस इंटरवल को 3.7 और 3.8 को मैग्नीफाई करते हैं और ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। ये रहा नंबर लाइन, ठीक है, यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे 3.7, यहाँ पे लिखेंगे 3.7। चलिए 3.7 से स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक जाना है देखते हैं, ठीक है। 3.7 से 3.8 तक जाना है हमें, 3.8 तक जाना है 3.7 से। तो चलो सबसे पहले इसे मैग्नीफाई करते हैं। देखो स्केल लेकर बनाना, मेरा थोड़ा इधर लाइन इधर उधर हो जा रहा है। और ये रहा आपका सबसे पहला नंबर 3.7 के बाद 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, देन 3.75, देन 3.76, 3.77, 3.78,
3.79 एंड फाइनली 3.79 के बाद फाइनली आ जाएगा 3.80 जिसे हम 3.8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर हो गया मैग्नीफाई, ये इंटरवल हो गया मैग्नीफाई इसके दोनों के बीच। अब फाइनली हम चेक करेंगे 3.765 किसके किसके बीच आएगा यहाँ पे, तो 3.765 आएगा 3.76 और 3.77 के बीच में। देखो 3.76 के 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा ये नंबर। तो फिर से हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर फोर्थ स्टेप में फिर से एक नंबर लाइन ये, और यहाँ पे फिर से हम स्टार्ट करेंगे किसके किसके बीच आएगा 3.76 आएगा 3.7 और 3.76 और 3.77 के बीच में, इनके बीच में आएगा। ठीक है, तो इसे मैग्नीफाई करते हैं, ये रहा आपका, ये हो गया आपका 3.76, यहाँ से शुरू करते हैं नंबर्स लिखना। 3.76, 3.76, 3.76, 3.76, 4, 3.76, 3.76, 5, 3.765, फिर 3.766, फिर 3.767, 3.768, इस तरह से करते करते आप जाइएगा 3.8 तक। ठीक है, आगे एक्सटेंड कर देना, दिख रहा है उधर आपको, एक मिनट। चलिए अब दिख रहा है, 3.768 के बाद आगे 3.769, फिर 3. आगे एक्सटेंड कर देना, लिख लेना यहाँ तक नंबर 3.77 तक। ठीक है अब देखो इस नंबर लाइन में क्या आपको दिख रहा है, 3.765 कहाँ दिख रहा है, ये रहा, ये हो गया पॉइंट पी और ये आ गया आपका 3.765। तो इसी तरह से हम बनाएंगे सक्सेसिव मैग्नीफिकेशंस का क्वेश्चंस। आपको देखना है वो नंबर किस इंटरवल के बीच आ रहा है, उस इंटरवल को हम मैग्नीफाई करते जाएंगे जब तक ये नंबर हमारा नहीं आ जाता है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा इस क्वेश्चन को हम यहीं पे करते हैं। तो हमारा नंबर क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, दैट इज रिप्रेजेंट 4.67 ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो सबसे पहले आप देखो हम 4.67 को कैसे लिखेंगे, किस तरह लिख सकते हैं 4.67 --, ये लिख सकते हैं हम। हमें रिप्रेजेंट करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो 4 डेसिमल प्लेसेस लिख लेते हैं 4.67, यही है 4 डेसिमल प्लेसेस। बट यहाँ पे देखो आगे एक नंबर है 6, हम राउंड ऑफ कर देते हैं 4 डेसिमल प्लेसेस पे, तो 6 है तो राउंड ऑफ, देखो 1, 2, 3, 4, ये इसको फोर्थ नंबर को हमें इस 7 को राउंड ऑफ करना होगा, तो 7 राउंड ऑफ होकर क्या हो जाएगा 8। तो हमें रिप्रेजेंट करना है इस नंबर को नंबर लाइन पे। ठीक है, तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं पहले, ये रहा नंबर लाइन, ध्यान से देखोगे इस नंबर लाइन में हमें चाहिए 4.6768। तो 4.6768 किसके किसके बीच लाई करेगा, 4 और 5 के बीच लाई करेगा। ठीक है, 4 और 5 के बीच लाई करेगा, तो हम स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये नंबर हमारा लाई करेगा 4 और 5 के बीच में। सबसे पहले तो एक नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है, 4 के बाद आएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 and 5.0 या फिर 5। ठीक है, तो मैग्नीफाई क्या किया हमने, मैग्नीफाई हमने किया 4 और 5 का इंटरवल, तो ये रहा 4, ये रहा 4 और ये रहा 5, हमने इस इंटरवल को मैग्नीफाई किया है। ठीक है, मैग्नीफाई करने से आ गया ये। अब हम सिंपली देखेंगे 4.6768 ये किसके बीच लाई करेगा, ये इसके बीच लाई करेगा 4.6 और 4.7 के बीच, 4.61, 4.62, 4.63, ये नंबर 4.6 और 4.7 के बीच लाई करता है। तो फिर से हम एक नंबर
लाइन बनाएंगे और 4.6 और 4.7 का इंटरवल को हम मैग्नीफाई करेंगे, ठीक है, 4.6 और 4.7 को मैग्नीफाई करेंगे। तो ये रहा नंबर लाइन, मैग्नीफाई करते हैं, सबसे पहले आएगा 4.6, फिर आएगा 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69 एंड 4.70 या 4.7 आ गया। तो यहाँ से अब बताओ 4.676 किसके किसके बीच लाई करेगा, 4.676 लाई करेगा 4.67 और 4.67 और 4.8 के बीच ये नंबर लाई करेगा, ठीक है। अब इन इस नंबर को हम, इस इंटरवल को हम मैग्नीफाई करेंगे, मैग्नीफाई करते हैं, ये रहा नंबर लाइन और यहाँ पे आप लिखोगे 4.67। आगे बढ़ते हैं, 4.671, 4.671, 4.672, 4.673, 4.674, 4.675, 4.676, 4.677, 4.678, 4.679 एंड 4.68, यही था 4.68 तक जाना था हमें, ये रहा 4.68, ठीक है। अब फिर से देखेंगे 4.6768, 4.6768 किसके किसके बीच लाई करेगा, 4.6768 तो 4.6768 लाई करेगा इस नंबर के बीच और इस नंबर के बीच, देखो इन दोनों के बीच यहाँ लिखेंगे 4.6761, 4.6762, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4.676, सेकेंड नंबर 4.6761, 4.6762, 4.6763, 8 तक जाना है, 4.6764, 4.6765, 4.6766, 4.6767 और आगे 4.6768, तो ये नंबर हो गया आपका 4.6768 और ये पॉइंट हो गया पी। देखो इस तरह से आप सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन को बनाओगे, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 स्टेप्स में बना आपका। तो ये था आपका सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सक्सेसिव मैग्नीफिकेशंस को लेकर के, आर एस अग्रवाल सॉल्व करना, आर डी शर्मा सॉल्व करना, आपको मिलेगा क्वेश्चंस। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, बस एक छोटा सा टॉपिक था सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आने वाले हैं वो है आपका रैशनलाइजेशन, किस तरह आप रैशनलाइज करोगे, और रैशनलाइजेशन के बाद हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में हमारा अभी बच रहा है, उनको हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कंप्लीट करने का, और उसके बाद हम देखेंगे पॉलीनोमियल्स पे वापस जाएंगे। पॉलीनोमियल्स में हमें करना है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स।